नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, एक अच्छा घर बनाना हम सबका सपना होता है, और आप और मैं जिंदगी भर कमाई करके एक अच्छा खासा घर बनवाना चाहता है, जिसके लिए हम बहुत से पैसे भी इकट्ठा करते हैं। और इसके लिए हम एक इंजीनियर या फिर आर्किटेक्ट के पास एक प्लान बनवाने के लिए जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिन इंजीनियर और आर्किटेक्ट्स को आप इतनी अच्छी खासी फ़ी देते हैं, क्या वो आपका घर बनाने के काबिल है? क्या वो एक अच्छा प्लान बना सकते हैं? क्योंकि बहुत से ऐसे आर्किटेक्ट्स हैं या इंजीनियर्स हैं जो इस काबिल है ही नहीं। वैसे अभी फ़िलहाल हाल ही में मुझे एक एलिवेशन डिज़ाइन करना था एक घर का, जिसमें एक इंजीनियर ने वो प्लान बनवाया था और क्लाइंट ने मुझे भेजा सिर्फ उसका एलिवेशन डिज़ाइन करने के लिए। तो जब मैंने वो प्लान देखा, उसमें बहुत सारी गलतियाँ थी, बहुत सी खामियाँ थी, और ऐसी ऐसी गलतियाँ थी जो उस क्लाइंट के लिए पूरी ज़िंदगी भर उसकी परेशानी होगी उस घर में रहते वक्त। तो एक आर्किटेक्ट होने के नाते मैंने उन्हें बताया उसमें जितने भी गलतियाँ हैं, ना कि सिर्फ व्यू बना के भेज देता तो फिर भी चलता था, लेकिन ये तो मेरा फ़र्ज़ है कि अगर उसमें कुछ गलतियाँ हैं तो उन्हें बता दो। तो यही प्लान मैं आज आपको भी दिखाऊंगा कि कितनी गलतियाँ हैं। अब दिखने में तो प्लान बहुत अच्छा है, अब आप जैसे लोग जो ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं जानते तो आपको तो वो अच्छा ही लगेगा, लेकिन इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि हमेशा एक सेकेंड ओपिनियन लीजिए। आप किसी आपके दोस्त को दिखाइए या किसी और दूसरे आर्किटेक्ट को दिखाइए, उसे थोड़ी सी फी दीजिए, लेकिन सेकेंड ओपिनियन हमेशा लीजिए। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यह है इस घर का ग्राउंड फ्लोर का प्लान, और इसमें अंदर आते ही एक पार्किंग है जो कि है 10 बाय 16 फीट का, जो वैसे काफ़ी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस इंजीनियर ने जो गाड़ी दिखाई है वो बहुत ही छोटी दिखाई है। तो हाँ, यह है एक पहला पॉइंट कि आप ऐसे इंजीनियर को कैसे पहचान सकते हैं जो कि आपको फंसाने वाला है प्लान में। तो आप कोई भी फर्नीचर यहाँ देख लीजिए, ये सोफ़ा देख लीजिए या फिर ये डाइनिंग देख लीजिए या ये बेड देख लीजिए, इन सब का साइज़ बहुत छोटा दिखाया गया है ताकि आपको ये बाकी का घर बड़ा दिखाई दे। तो लेकिन चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। यह है पार्किंग। हमेशा याद रखिए कि जब भी आप पार्किंग दिखाएं तो वो गाड़ी पार्क करने के बाद आपको उसके दरवाजे भी खोलने हैं, ना कि सिर्फ गाड़ी पार्क करनी है, आपको उस गाड़ी से उतरना भी है। तो कभी डिक्की में जो सामान रखा होगा वो भी निकालना होगा, कभी बॉनेट भी खोलना होगा, तो उस हिसाब से आपको साइज़ देना है। बहुत से आर्किटेक्ट सिर्फ गाड़ी का साइज़ ही लेते हैं और बाकी के चीज़ भूल जाते हैं। तो यह है सबसे पहला पॉइंट। हाँ, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस घर का नॉर्थ कहाँ है। ये ऊपर के साइड में इसका नॉर्थ है, ठीक है? तो वैसे वास्तुशास्त्र के हिसाब से ये प्लान बहुत ही गलत है, तो इस हिसाब से मत देखिए। तो अंदर आते हैं लिविंग एरिया में, तो बहुत अच्छा खासा एरिया है, 14 बाय 18 फीट का बहुत बड़ा हॉल है, लेकिन इसका प्लानिंग बहुत गंदी तरीके से हुआ है। इस स्पेस का इस्तेमाल ही अच्छे से नहीं होगा। ये जो एल शेप का सोफ़ा दिखाया गया है, इतना छोटा एल शेप का सोफ़ा कभी नहीं होता, ठीक है? अंदर आते ही दो प्रॉब्लम्स है कि ये जो छोटा साइज़ है, देखिए सिर्फ तकरीबन 3 फीट 7 इंच का जगह मिलता है आपको। तो सब लोग यहाँ बैठेंगे और इस साइड फेस करेंगे, लिविंग टीवी देखेंगे, और पीछे से कोई भी आता जाता है तो आपके पीछे से आएंगे और जाएंगे, तो ये बहुत ही ऑड लगता है। और ये जो एरिया है, ये पूरा वेस्ट हो रहा है, तो जगह का अच्छा इस्तेमाल नहीं हो रहा है इस प्लान में। दूसरी चीज़ है कि प्राइवेसी। इस घर में जो ये बेडरूम दिखाई दे रहा है, ये है गेस्ट बेडरूम, तो कोई भी आदमी अंदर आएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ से सीधा बेडरूम में देख सकता है वो आदमी। अगर बाय चांस ये डोर ओपन रहेगा तो सीधा बेडरूम में देख सकता है वो, और कोई भी गेस्ट जो यहाँ बैठा है वो सीधा किचन में अंदर तक देख सकता है।
तो प्राइवेसी का बहुत बड़ा इशू है इस घर में। ये जो एल शेप का सोफ़ा है वो बहुत बड़े बड़े लिविंग रूम्स में होता है, मतलब अगर 4,000 स्क्वायर फीट का घर है जिसमें फॉर्मल लिविंग है, इनफॉर्मल लिविंग है, दोनों अलग अलग टाइप के लिविंग है, तब इस्तेमाल करता है। मैं आपको एक एल शेप का एक्चुअल सोफ़ा किस साइज़ का होगा दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है एक एल शेप का सोफ़ा, मतलब एक्चुअल साइज़ का, मैंने इसमें कुछ कम ज़्यादा कुछ नहीं किया है। तो आप समझ सकते हैं कितनी जगह एल शेप के सोफ़ा में लगेगी। ठीक है, तो वैसे ये हॉल और अच्छी तरीके से भी डिज़ाइन हो सकता था। समझ लीजिए आप यहाँ पर एक टीवी यूनिट डिज़ाइन करते तो घर का, तो इसका पूरा प्राइवेसी भी मेंटेन होता, अच्छे तरीके से फंक्शन होता, यहाँ पर टीवी लग जाता आपका। ये सोफ़ा मैंने अभी जैसे दिखाया, तो यहाँ पर एल शेप का सोफ़ा रख सकते थे। खैर ठीक है, तो इसमें बाकी का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लाइट वेंटिलेशन अच्छे से होगा, वो प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए देख लेते हैं इसका डाइनिंग एरिया और किचन। तो किचन वैसे अच्छे खासे बड़े साइज़ का दिया गया है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि ये जो बेसिन आप देख रहे हैं, इतना छोटा बेसिन आपको नहीं देना चाहिए, और ये जो खड़ा दिखाया है ऐसा तो होता ही नहीं है कभी, इसमें आप अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर सकते वो बेसिन का। ये जो डाइनिंग दिखाया है ये भी बहुत छोटा है। आप एक कंपैरिजन के लिए देखिए, ये जो बेसिन दिखाया है और ये चेयर उस बेसिन से भी छोटी है। तो और ये एक 3 BHK का घर है, तो इसमें इसमें 4-5 लोग, 6 लोग आराम से की फैमिली है। तो अगर 5 लोगों की फैमिली है तो आपको डाइनिंग कितने लोगों का देना चाहिए? कम से कम 5 लोगों का देना चाहिए, और कभी कभार गेस्ट भी आएंगे तो फिर वो लोग खाना खाएंगे। वैसे मैं आपको एक 6 लोगों का डाइनिंग क्या साइज़ का होता है वो भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, यह एक 6 लोगों का डाइनिंग टेबल इस साइज़ का होता है, तो इसने कितना दिखाया देखिए। तो इसी से पता चलता है कि यह इंजीनियर आपको फंसाने वाला है। जो स्टोरेज दिखाया गया है वो भी बहुत छोटा है, ये तकरीबन सिर्फ 1 फीट का ही होगा, देखिए 1 फीट 4 इंच का, पूरा 1.5 फीट का भी नहीं है। तो 1 फीट में आप क्या रखेंगे उसमें? और भी जगह के वेस्टेज है, ये जो पूरा एरिया है ये आपका वेस्ट हो रहा है, कुछ भी इस्तेमाल नहीं होगा इस जगह का, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ स्टोरेज चाहिए, तो स्टोरेज तो ऑलरेडी आपके पास है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, फ्रिज भी है, वैसे किचन के नीचे काउंटर बनेगा वो भी है, तो इस एरिया का क्या होगा? वो तो पूरा वेस्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसका ग्राउंड फ्लोर का बेडरूम। तो ग्राउंड फ्लोर का बेडरूम हम हमेशा बुज़ुर्ग लोगों के लिए देते हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग पेरेंट्स वगैरह होंगे उनके लिए हम ग्राउंड फ्लोर पर रखते हैं, ताकि उन्हें सीढ़ियाँ ना चढ़ने पड़े। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक सीढ़ी दी ही गई है, एक स्टेप यहाँ पर है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, वो भी कर्व शेप की है। तो अगर बाय चांस ये स्टेप मिस हो जाती है बुज़ुर्ग लोगों से, तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा हादसा होगा, यहाँ से फिसल सकता है, तो ऐसा स्टेप तो देना ही नहीं चाहिए बेडरूम के पहले। दूसरी बात यह है कि यह स्टेयरकेस है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, यह एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज स्टेयरकेस हम कभी देते ही नहीं है। तो चलिए इस बेडरूम को देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये बेड बहुत छोटा है, इसका साइज कुछ 5 फीट के आसपास ही है, मैंने देखा था, देखिए 5 फीट 3 इंच। आपकी हाइट अगर 5 फीट 8 इंच भी होगी, जो हमारे देश में एक एवरेज हाइट है, तो फिर भी आपके 6 इंच पैर इस बेड से बाहर ही रहेंगे। तो चलिए मैं आपको एक एवरेज साइज़ का बेड भी दिखा देता हूँ। यह है एक एवरेज किंग साइज़ का बेड, तो आप देख सकते हैं इसमें साइड टेबल भी ठीक से नहीं बैठ रहा, ठीक है, तो आपको एक एक साइड टेबल तो आपको मिलेगा भी नहीं ये साइज का बेड जब आप करेंगे तब। यह है इस घर का वार्डरोब जो दिखाया है, तो यह वार्डरोब भी 1 फीट का ही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 फीट 2 इंच का वार्डरोब है।
वार्डरोब हमेशा अंदर अंदर मतलब दरवाजा छोड़ के भी 22 इंच का होता है। इसने पूरा वार्डरोब 1 फीट 2 इंच का दिखाया है। और ऐसा नहीं है कि ये खामी आप बाद में ठीक कर सकते हैं। अगर आपको वार्डरोब देना ही है तो आप कहाँ देंगे? आप इस एरिया में नहीं दे सकते क्योंकि आपका विंडो ब्लॉक हो जाएगा। आप यहाँ पर भी नहीं दे सकते, आपको यहाँ देना पड़ेगा, लेकिन फिर वो एक अच्छे साइज का नहीं मिलेगा। फिर आपका बेडरूम आएगा, सॉरी आपका बेड आएगा इस विंडो के नीचे, जो कि फिर भी आइडियल नहीं है। इसका अटैच टॉयलेट देखिए, यह है 6 फीट बाय 5 फीट का। तो आजकल तो अपार्टमेंट में भी 8 फीट का टॉयलेट रहता है, तो आप इतने बड़े बंगलों में सिर्फ 5 फीट का टॉयलेट दे रहे तो वो कितना छोटा और अनकंफर्टेबल रहेगा। इसमें दूसरा प्रॉब्लम है इसका लेआउट। अंदर आते ही आपको कमोड होना चाहिए या वॉश बेसिन होना चाहिए? तो सबसे पहले वॉश बेसिन होना चाहिए। और वेंटिलेटर भी यहाँ पर दिखाया है। अगर यह वेंटिलेटर इस एरिया में होता तो कम से कम आपका बिल्डिंग का एलिवेशन तो ख़राब नहीं होता, ठीक है? तो ऐसी बहुत सी चीज़ें इस घर में गलत है। और दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि सिर्फ ग्राउंड फ्लोर में ही इतना प्रॉब्लम्स है, तो आगे जाते जाते और कितने निकलेंगे आप ही समझ लीजिए। तो चलिए आगे देख लेते हैं। इस घर का जो स्टेयरकेस है, ये जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो अगर ये क्लॉकवाइज होता तो और ज़्यादा अच्छे तरीके से हम इसे प्लान कर सकते थे। ये क्लॉकवाइज स्टेयरकेस होता, यहाँ पर हम टीवी यूनिट वगैरह लगवा सकते थे, जिसकी वजह से ये स्टेयरकेस के पहले हम टीवी यूनिट लगवा सकते थे, तो फिर इस हॉल का प्लानिंग भी अच्छे से हो जाता। इस तरीके का एल शेप का सोफा हम लगवा सकते थे, ये स्टेयरकेस ब्लॉक हो सकती थी टीवी यूनिट से। और ये जो बेडरूम है, इसका वार्डरोब यहाँ स्टेयरकेस के नीचे आ सकता था, ठीक है? तो ये वॉल आपको पूरी तरीके से ओपन मिलती, क्रॉस वेंटिलेशन भी अच्छा रहता, और बेड भी आप एक अच्छे खासे साइज का लगवा सकते थे। लेकिन ये सब भी आइडियल नहीं है, ये तो अब प्लान में पहले से ही गलतियाँ हैं, तो हम बस गलतियाँ सुधार रहे हैं। खैर चलिए आगे की बात कर लेते हैं। ये जो स्टेयरकेस है, ये मैंने काउंट किया था तो इसका राइजर आ रहा है तकरीबन 7.5 से 8 इंच का। तो आप मेरी स्टेयरकेस प्लानिंग की वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया है कि राइजर कितना होना चाहिए। आइडियली 5 से 6 इंच का ही होना चाहिए। और इसका जो ट्रेड है, मतलब हर स्टेप है, वो है 10 इंच की, जो कम से कम 1 फीट आइडियली होना चाहिए, तो इसमें वो भी नहीं है। और इतना सब करके, राइजर 8 इंच का दे के, ट्रेड 10 इंच का करके, फिर भी ये ऐसा ऑफसेट बाहर निकालने की ज़रूरत पड़ी है इस इंजीनियर को, इतना सब करने के बाद भी जो। और अगर आप परमिशन वगैरह लेना चाहते हैं घर का, तो ऐसे में प्लान पास नहीं होगा आपका। और ये जो दूसरी चीज़ है, ये कॉर्नर में ऐसा, ये जो कॉर्नर विंडो दिया गया है, और ये फिर से एक दूसरा कॉर्नर बन रहा है यहाँ पर, तो इसकी वजह से ये घर का स्ट्रेंथ अफेक्ट होगा, मतलब ये घर उतना मजबूत नहीं बनेगा इस ये दो दो कॉर्नर्स एक साथ ऐसे करने की वजह से। कॉर्नर्स में आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन फिर एक ही करना चाहिए, ये दोनों एक साथ नहीं करने चाहिए, ठीक है? तो ये था इसका ग्राउंड फ्लोर। और ये वीडियो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, थोड़ा सा लंबा होने वाला है। तो बस ग्राउंड फ्लोर में बस इतना ही है। चलिए इसका सेकंड फ्लोर देख लेते हैं आप। तो दोस्तों, यह है इसका सेकंड फ्लोर। ये जो आपका लिविंग रूम है, ये डबल हाइट का है। तो ये जो ग्राउंड फ्लोर पे विंडोज़ थी इस लिविंग रूम के, ये जो दो विंडोज़ है, यहाँ पर दो विंडोज़ है और ये एक विंडो है, इनमें से कोई भी विंडो यहाँ पर कंटिन्यू नहीं हो रही। तो आप जब डबल हाइट कर रहे हैं तो यहाँ पर एक भी विंडो नहीं है, तो ना लाइट आएगी ना वेंटिलेशन होगा। तो डबल हाइट इसका मतलब है आप सिर्फ लुक्स के लिए कर रहे हैं, इसका कुछ प्रैक्टिकल इस्तेमाल नहीं हो रहा।
तो ऐसी चीज़ घर बनवाते समय नहीं होनी चाहिए। आप जो भी कर रहे हैं उसके दो तीन रीजंस अच्छे खासे होने चाहिए। ठीक है, तो खैर चलिए ऊपर और दो बेडरूम्स है ये भी देख लेते हैं। तो इस बेडरूम में भी वही प्रॉब्लम है, बेड काफ़ी छोटा दिखाया है और ये जो वार्डरोब है इसमें इतना पार्ट, ये जो एल शेप का वार्डरोब है कॉर्नर में, एक तो कॉर्नर वार्डरोब में बहुत सी जगह वेस्ट होती है और ये वार्डरोब भी छोटा है, सिर्फ 1 ही फीट का है, तो ये जो एरिया है वो वेस्ट हो रहा है। इसमें भी वही प्रॉब्लम है अटैच्ड बाथ का, एक तो एरिया में छोटा है, ऊपर से लेआउट भी गलत है, तो इस एरिया का वही प्रॉब्लम है। और ठीक है चलिए अब दूसरी बेडरूम देख लेते हैं। यह है इस घर का मास्टर बेडरूम। तो सबसे पहले वास्तुशास्त्र के हिसाब से वो मास्टर बेडरूम बहुत गलत दिशा में है, उसमें बहुत सारे वास्तु दोष भी होंगे, लेकिन मैं बात करूँगा प्रैक्टिकली। अगर आपका वास्तुशास्त्र में विश्वास नहीं है ठीक है, तो फिर भी ये देखिए, ऐसे जो दरवाजे, 3 दरवाजे बस इतनी छोटी एरिया में एक साथ आ रहे हैं। तो अब ये जो टॉयलेट का दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा अगर जो मेन दरवाज़ा है वो जब तक खुला रहेगा आप ये दरवाज़ा इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ये जो दरवाज़ा है वो अंदर की तरफ क्यों खुल रहा है, ये बाहर की तरफ खुलना चाहिए हमेशा। अब ये जो दीवार है अपोजिट वाली, ये लगता है इस घर की कॉमन वॉल है, मतलब यहाँ पर बाजू में और कोई घर होगा। तो जब आपके पास कॉमन वॉल है जो वैसे भी बंद रहने वाली है, तो फिर ये जो दूसरी वॉल है जहाँ से वेंटिलेशन हो सकता था, लाइट वेंटिलेशन अच्छा खासा, तो वो आप वार्डरोब में क्यों बंद कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका वार्डरोब अगर इस यहाँ पर होता तो आप इस वॉल पे विंडो दे सकते थे। अभी आपके पास इतना बड़ा एरिया है अच्छा खासा, लेकिन इसमें क्रॉस वेंटिलेशन ही नहीं हो रहा, सिर्फ एक खिड़की है, और अगर ये दरवाज़ा बंद रहेगा तो फिर क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होगा। अगर ये वार्डरोब यहाँ पर होता, यहाँ पर आप विंडो दे सकते थे, तो अच्छा खासा क्रॉस वेंटिलेशन हो सकता था हमेशा, इस केस में वो भी नहीं हो रहा। यहाँ पर एक ओपन टेरेस है, काफ़ी बड़े साइज का है, ठीक है 14 बाय 12.5 फीट का है, लेकिन इसका जो फर्नीचर है वो भी बहुत छोटा दिखाया गया है, साइज कम करके। ठीक है, और एक और बात इसमें है कि ये जो टॉयलेट है, हालांकि इसको स्टडी लिखा है लेकिन ये टॉयलेट ही है, ये प्रैक्टिकली इस बेडरूम में आ रहा है, तो जब भी ये टॉयलेट फ्लश होगा तो आप समझ सकते हैं इस बेडरूम वाले को कितनी तकलीफ होगी। इसका भी यहाँ पर है वेंटिलेटर, इसका वेंटिलेटर यहाँ पे है, तो इस घर में यहाँ पर भी पाइप्स होंगी, यहाँ पर भी पाइप्स होंगी, तो सभी जगहों पर इसके ड्रेनेज के पाइप्स होंगे इस घर में, और ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और एक और हाँ, ग्राउंड फ्लोर पे एक और प्रॉब्लम था कि अब ये जो साइजेस दिखाए गए हैं, हाँ ये जो गेस्ट बेडरूम का साइज है ये काफ़ी छोटा है, ये देखिए ये है 10 फीट बाय 7 इंच, 10 फीट 7 इंच का, और इसने लिखा है कि यह है 11 फीट का, तो ये और एक्स्ट्रा के 6 इंच कहाँ से लाने वाला है। तो इस तरीके से साइजेस भी गलत लिखते हैं लोग, और आपके समझ में तब तक नहीं आएगा जब ये आखिर में बन ना जाए। तो ये थी एक और चीज़ जैसे लोग आपको फंसाते हैं। तो हमेशा याद रखिए दोस्तों कि जब भी आप घर डिज़ाइन करवाते हैं उसका 3D वगैरह बनवा के लीजिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आप एक सेकंड ओपिनियन तो ज़रूर लीजिए, देखिए आप इतने देर से वीडियो देख रहे, तो और 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए कि आप 20-25 लाख रुपए खर्च करवाते हैं घर बनवाने के लिए, आपके पूरे जिंदगी की कमाई आप एक घर बनवाने में लगवा देते हैं, तो सिर्फ एक
ऐसे आर्किटेक्ट की वजह से या ऐसे इंजीनियर की वजह से जो उसका बिल नहीं है, आपकी पूरी ज़िंदगी की कमाई वेस्ट हो जाएगी। तो किसी और एक अच्छे इंसान को पूछिए, उसे थोड़ा पैसा दीजिए। और ऐसा भी हो सकता है कि उस इंजीनियर ने एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचा होगा, ऐसा भी हो सकता है, और कोई दूसरा इंजीनियर उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेगा। तो हमेशा एक सेकेंड ओपिनियन लेना बेहतर रहता है। आप डॉक्टर का भी देख लीजिए, अगर कोई भी डॉक्टर आपको बोलता है कि एक बड़ा ऑपरेशन करना होगा, आप क्या डायरेक्टली कर देते हैं क्या? आप हमेशा एक दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, उसे पूछते हैं कि क्या इसकी ज़रूरत है। तो वैसी ही चीज़ है, हमेशा एक सेकेंड ओपिनियन लेना बेहतर रहता है। अब किसी से भी लीजिए, आपके दोस्त से, आप एक दूसरे आर्किटेक्ट से, एक दूसरे इंजीनियर से, चाहे तो मुझसे भी पूछ लीजिए। तो किसी से भी लीजिए, लेकिन एक सेकेंड ओपिनियन ज़रूर लीजिए। 3D व्यूज़ वगैरह बनवा के लीजिए। आपको समझ में आना चाहिए कि आपका जो घर बन रहा है वो कैसे बन रहा है। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन आशा है कि आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।